लगातार देखिए बयान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया है इससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में अब इसे लेकर तनाव बढ़ गया है, क्या तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं तीन नेतन्याहू और अब ईरान पर हमला करने वाले हैं। सवाल ये भी कि क्या जो ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया इसमें अमेरिका इजराइल का साथ देगा। जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर गाजा और लेबनान को दहलाया, अब ठीक वैसे ही ईरान इजराइल को दहला रहा है। बारूदी गोले बरसा रहा है, ताबड़तोड़ अटैक कर नेतन्याहू के देश से बदला ले रहा है। इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि सिर्फ धमकी देने वाला ईरान इतना बौखला जाएगा कि वो सीधा उस पर अटैक कर देगा। ईरान ने मंगलवार की पूरी रात दो बार इसराइल पर अटैक किए, बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से इसराइल के कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया, सैन्य अड्डों को भी नहीं छोड़ा। ईरानी हमलों को इसराइली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ से वो चूक गया जिसके बाद नेतन्याहू तिलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। ईरान शुभ तकफात इसराइल बेमौत इलिम अमित कफाजोत निकला היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית, התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. בנג'מין כה ביאן היה, תו איראני סופרם לידר חמינאי נה בי סף כה דיה, כי ג'ב תק ו ישראל כה זכם נהי דגה, תב תק אונקי סנה פיצ'ה נהי הטגי. خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل جهان یک طرف خامنه‌ای نے اسرائیل کے سمپورن ناش کی قسم کھائی ہے تو دوسری طرف نتنیاہو کے دوست اور سپر پاور امریکہ نے اسرائیل کی پوری مدد کی بات پھر سے دہرائی ہے। इसराइल में आए संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग की और कहा, Make no mistake. The United States is fully, fully, fully supportive of Israel. कई इजराइल समर्थित देश भी आगे आए जिन्होंने ईरान के हमलों को देखते हुए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया जिससे होकर कोई भी मिसाइल और रॉकेट इजराइल पर न गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए हम आपको बता दें कि कैसे अब ईरान दहशत में, ईरान ने हमला तो कर दिया इसराइल पर लेकिन अब इसराइल भी पलटवार करेगा। और इसी कड़ी में आपको बता दें ईरान में लगातार जो लड़ाकू विमान है, जो फाइटर जेट्स है, वो लगातार आसमान में उड़ रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा है कि अब जंग छिड़ गई है। सीधे जंग का ऐलान ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले का, ईरान के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान के लड़ाकू विमानों की तस्वीर है। मिसाइल हमले के बाद ईरान को अब डर है कि इसराइल पलटवार करेगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आसमान की, ईरान का ये आसमान जो फाइटर जेट है वो लगातार आसमान में उड़ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान को ये डर सता रहा है कि उसने हमला तो कर दिया, उसने 400 रॉकेट तो दाग दिए इसराइल पर, उसने 200 मिसाइलों से अटैक तो कर दिया, लेकिन अब इसराइल का पलटवार कैसा होगा ये डर, ये दहशत ईरान को लगातार सता रही है। और इसीलिए उसके जो फाइटर जेट है वो आसमान में उड़ रहे हैं। और ईरान के लड़ाकू विमानों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने सीधा कह दिया है कि ये बहुत बड़ी गलती ईरान ने कर दी है, अब इसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे। उधर अमेरिका ने भी चेता दिया है कि गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान अब तैयार है। और इसी वजह से लगातार ईरानी आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरानी प्रहार लेकिन अब आगे तय वॉर। ये बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ क्योंकि सीधी जंग का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। 200 मिसाइलों से अटैक किया इसराइल पर सोमवार को, वहीं 400 रॉकेट्स दागे दक्षिणी इसराइल में। ये तमाम जो रॉकेट मिसाइलें थे वो गिरे थे, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब इसराइल ने कसम खा ली है कि वो इसका जवाब देगा। तो देखिए ईरान और इसराइल की जंग का एक नया चैप्टर जरूर शुरू हो गया है। ईरान लगातार अटैक कर रहा था इसराइल पर, लेकिन वहीं अगर इसराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें
तो उन मिसाइल अटैक्स को रोकने में जबरदस्त तरीके से कामयाब रहा। इसराइल इंटरसेप्ट किया है उन बैलिस्टिक मिसाइलों को, जिसको लेकर ईरान को एक उम्मीद थी बड़ी तबाही की। साथ ही आपको बता दें, इसराइल की तरफ से अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं ईरान भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। 2313 किलोमीटर दूर इसराइल पर ताबड़तोड़ आग के गोले बरसाए, धमाकों की ऐसी गूंज जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। ईरान ने इसराइल पर एक साथ सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले में तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते शांत पड़ा इसराइल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसराइल में सायरन का अलर्ट बजने लगा, लोगों को शेल्टर होम में शरण लेने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है, साथ ही युद्ध का करारा जवाब देने की बात कही। ईरान ने इसराइल के तेल अवीव, यरूशलम और अन्य शहरों को निशाना बनाते हुए रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का दावा है कि मिसाइलों ने इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसके हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजरायल ने सभी रॉकेटों को हवा में नष्ट करने का दावा किया। इजरायल ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर हमले को हमने नाकाम किया, हमारा डिफेंस काफी असरदार रहा, अमेरिका ने भी हमारी मदद की, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कोई इजरायली घायल नहीं हुआ। इस हमले में इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आने वाले समय में ईरान को इस हमले का बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, ईरान ने कोई सबक नहीं सीखा, जो लोग इसराइल राज्य पर हमला करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। כמו שאמרתי, אני מגיע אליכם אחרי הערכת מצב רמטכ"ל. אנחנו התעדכנו עם חיל אוויר, התעדכנו עם השותפים שלנו מארצות הברית. בשלב זה אנחנו לא מזהים איומים נוספים במרחב האווירי, ולכן נתנו את ההנחיות לצאת מהמרחב המוגן, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המצב הזה, ובמידה ויהיה כל שינוי בהנחיות. איראן נה ישראל פר הוואי המלה כסד סד סייבר אטאק בי קיה. हमले के बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान का दावा है कि उनका हमला इतना सटीक था कि उनके 80% मिसाइल निशाने पर लगे। गाजा पट्टी में 20 इजरायली F-35 लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक नष्ट किए। साथ ही यह भी दावा किया कि फिलिस्तीन कुछ ही घंटों में आजाद हो जाएगा।